भाई हमें उन पे बड़ा गुस्सा आता है जो ना आओ देखते हैं ना ताओ और बोलते हैं क्या बनाओगे, बस पुलाव। अरे पुलाव कोई छोटी मोटी चीज़ है क्या? है अच्छा पुलाव बनाने में भाई साहब जो बारीकी लगती है ना, क्या बताएं आपको। और अच्छा पुलाव अपने आप में एक कंप्लीट मील है भाई साहब। कई बार जब दिल करता है ना कुछ शाही खाना है तो ये वाला पुलाव बना लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूँ शाही, सॉरी नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार। बनाते हैं एक शाही मटर पुलाव। मटर का मौसम मिस नहीं करना हमको, ठीक है जी। इस बार मटर की तो हमने भाई साहब रेलगाड़ी चला दी, एकदम कुछ ना छोड़ा है। अगर रेसिपीज मिस कर दी तो देख लीजिएगा, निमोना बनाया है, फिर बहुत कुछ बनाया है, सब्जी बनाई है मटर की, और पहले भी मटर पनीर वगैरह है। कम से कम 20 रेसिपी मटर की हैं हमारी। हाँ म्यूजिक की बात। कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी मटर पुलाव बनाने के लिए आपको चाहिए मटर और पुलाव का चावल। पुलाव का चावल है बासमती राइस। आमतौर पे हम बहुत ज्यादा बासमती राइस यूज करते नहीं हैं, लेकिन जब शाही फील देना हो तो क्या करें यार, वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। अब इस पुलाव की खूबसूरती ये है कि इसमें जाएगी बेसन की कोफ्ती, और बहुत शाही और बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक बेसन की कोफ्ती है। पहले हम आपको वो बेसन की कोफ्ती दिखा दें ताकि आपके अंदर से कन्फ्यूजन खत्म हो जाए, आपके अंदर से कन्फ्यूजन, अंदर बाहर जहाँ से भी कन्फ्यूजन खत्म हो जाए बेसिकली, ठीक है। इसमें ये जो बेसन की कोफ्ती है इसको आप कच्चे केले की कोफ्ती बना सकते हैं। कच्चा केला लेके उसको बॉयल करके और उस कच्चे केले का मिक्सचर बना के उसको भी फ्राई कर सकते हैं, या बेसन की कोफ्ती भी बना सकते हैं, मर्जी है आपकी। आखिर मर्जी है मतलब आपकी, कि हर बार वैसे थोड़ी ना होता है, कोई सेकंड लाइन आनी होती है शेर में, कई बार हम नींद में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हरी मिर्च हो गई, ये लीजिए धनिया, देख लिया आपने, धनिया डाल दिया हमने पाउडर्ड, ये देखिए पिसा हुआ धनिया, बेसन, ये हो गया जी दही। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हमने आपको नहीं बताया अभी तक, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है पनीर। थोड़ा सा पनीर लेना है, ये देखिए सॉल्ट, इसके अंदर आप ग्रेट करके डाल सकते हैं घिया, क्यूकम्बर या कद्दू, किसी को नहीं पता चलेगा, वो हमारी गारंटी। फिलहाल हमने घिया क्यूकम्बर और कद्दू नहीं डाला है, हमने डाला है हींग मिर्ची और भगवान भला करे हल्दी। अच्छे से कर लेते हैं मैश, थोड़ा सा घी या तेल, ज्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा सा, ये लीजिए छोटे छोटे पीस लेने हैं ऐसे, और उसके बना लेने हैं गोले। पहले ट्राई कर लेते हैं एक, फटाफट रहा है तो बेसन बढ़ा देते हैं। कभी भी जितने भी मर्जी बड़े शेफ हो जाएं आप, हमेशा एक पीस तल के देख लें। अगर आप मान लीजिए आपने सिंगल पीस जो है वो तेज़ आंच पे ट्राई किया और बहुत सारे पीसेस डाल दिए, तेल ठंडा हो जाएगा और ये अंदर जाके फट जाएगा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था भाई साहब। अच्छा यहाँ पर क्या है, आप सिर्फ बेसन और दही का भी बना सकते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये इतना गाढ़ा कि बिल्कुल डो भी ना हो लेकिन बिल्कुल लूज भी ना हो, ये मामला जो है ये सेट। थोड़ा सा और तलेंगे, ये थोड़ा कड़ा होना चाहिए आप समझे, क्योंकि चावल के, अभी क्यों बताऊं सब कुछ, देखो पूरी रेसिपी, मजे लो, हमारा डांस बच्चा है अभी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि इतने छोटे छोटे ही बनाने, और ऐसा कुछ नहीं है कि परफेक्ट गोल बनाना है, और इसी का जो है मजे की बात यह है कि रायता भी इसी कोफ्ती का बनेगा, तो इसलिए मैं एनीवेज वो बड़े वाले बनाऊंगा रायते के लिए कोफ्ती। देखिए खुल के लाल होने देना है, कोई जल्दी नहीं करनी है साहब, मीट के जैसे कोफ्ते एकदम डार्क ब्राउन होते हैं ना, वहां तक लेके जाना है इसको, अच्छे से एकदम वेल्डन करना है इसको।
में अब तो लखनऊ में भी ये रेसिपी पता ही नहीं है लोगों को। ये जो शाही मटर पुलाव की सर्दियों में बनने वाली रेसिपी है ना, ये भी लोगों को नहीं पता है। तो आजकल वो फैशन में है लोग, क्या वर्ड है फैशन में, लॉस्ट रेसिपीज। तो ये वो लॉस्ट रेसिपी है। और ये जो हमने बड़े बड़े बनाए हैं इधर, ये रायते में जाएंगे, बेसिकली फ्राई होंगे एकदम क्रिस्प फ्राई, उसके बाद क्रम्बल होके इनका बनेगा रायता। इसको हम चला इसलिए भी रहे हैं कि चलाते चलाते एक तो कलर ठीक आएगा, दूसरा गोल और हो जाएगा। वो लखनऊ की चीज़ बनती है तो फिर हम चलाने लग जाते हैं, मैं नहीं चलाता। अब ये दूसरे वाले बड़े बड़े टुकड़े डाल देते हैं, इनको ऐसे फ्लैट करके डाल देते हैं टिक्की की तरह। इनको कड़क करना ही मकसद ही कड़क करना है, इसलिए फ्लैट कर रहा हूँ। अगला सवाल ये होगा कि हम इसको ओवन में बेक कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जो तेल वाला बहाना था कि ये तो बहुत फ्राइड है रणवीर, वो बहाना भी हमने बाहर कर दिया आपकी विंडो के। अब जो है साइड में काट लेते हैं पनीर। और जैसे ही शाही शब्द आता है ना, पनीर की बन जाती हैं कतलियाँ। कतलियाँ मतलब पनीर जो है वो डायमंड हो जाता है। एकदम सेम चीज़ है, एकदम वेल डन, ओवर डन करना है इसको, कड़क होने देना है इसको। चल डन हो गया मामला। पनीर को भी एकदम कड़क और क्रिप्सी कर लेना है साहब, बस मोनो पोली यही है बस। क्या खूबसूरत रंग है देखिए, है कि नहीं। भाई साहब इसका रायता अगर आप बनाएंगे ना, सब भूल जाएंगे, ये गारंटी है अपनी। कड़क का कड़क, टेस्टी का टेस्टी, और कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन। इसको भी अगर आप चाहें तो ऐसे ही फ्राई करके इसको स्टोर कर सकते हैं 15-20 दिन आराम से, फ्रिज में भी फ्रिज के बाहर भी। एकदम कड़क रहेगा हमारी गारंटी, और कड़क नहीं भी रहेगा दही में जाके वैसे भी सौगी होना है उसने, टेंशन मत लीजिए, स्वाद रहेगा। और अगर दूधी वूधी डाल रहे हैं ना भाई साहब, तो क्या बनेगा हम बता रहे हैं आपको। ओके जी, अब शुरू करते हैं ये शाही पुलाव। थोड़ा तेल, थोड़ा घी, ये लो जी तेज पत्ता, छोटी और बड़ी इलायची, और जावित्री। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है ये जीरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मटर पुलाव बगैर जीरे के बन नहीं सकता, मटर पुलाव वगैरह मटर के भी बन नहीं सकता। ऐसे हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है ना। ये लो जी दही, बीच में डालो घी। देखिए यहाँ पर मटर जो है वो दो स्टेज में डलेगा। एक हमने डाला है मटर, मटर को दही में घी में और एकदम नरम कर लिया है, ठीक है। अभी चावल डालेंगे। ये वाला मटर जो है थोड़ा ओवर कुक हो जाएगा, मुशी हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। फिर दूसरा वाला जो मटर है वो डलेगा आपका बाद में, है, क्योंकि उससे फिर अपने को रंग चाहिए। ये लीजिए, ये सेकंड स्टेज का मटर है, ठीक है। ये फ्राई प्याज, ये केसर, और एक जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और ये पानी, इसमें थोड़ा सा नमक मिल रखा है, पानी गर्म है। थोड़ा बैलेंस करने के लिए लास्ट में शक्कर, नमक, पानी, घी। देखिए मटर का जो पुलाव होता है उसकी सबसे बड़ी जो खूबी होती है वो ये होती है कि मटर और चावल साथ में पकना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि रणवीर कर क्या रहा है इतनी देर से,
रणवीर कोशिश ये कर रहा है कि मटर और चावल जो है वो साथ में पके, क्योंकि अगर मटर और चावल साथ में नहीं पकेगा तो आपका मटर पुलाव उलाव बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। चावल को पका के और मटर में टॉस कर देने से मटर पुलाव नहीं बनता है। जब तक मटर की खुशबू चावल के अंदर तक ना घुसे तब तक उसे मटर पुलाव नहीं कह सकते। ठीक है जी, एक तो ये था। दूसरा ये था कि मैं कोफ्ती डालना भूल गया हूँ, वो किसी ने बताया भी नहीं। आप लोग देख रहे हैं कि कोफ्ती पड़ी हुई है साइड में, थोड़ी गरीब की मदद कीजिए। अब हमारा बुढ़ापा है, हमारी याददाश्त हमारा साथ नहीं देती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप नहीं बताएंगे। तो भाई साहब बुढ़ापे में आपको मदद तो करनी पड़ेगी ना, हैं? हमको लगा थोड़ा ऐसे खिल खिल के आएगा तो कैमरा पे अच्छा लगेगा, ऐसे ऊपर ऊपर आएगा ना चावल, तो इसलिए हमने हांडी थोड़ी छोटी यूज़ करी। आप कैमरा में बोले हांडी मत यूज़ करिएगा भाई, आप ऐसे रेगुलर हांडी यूज़ कर लीजिएगा। हमारी करी हुई गलतियाँ आपने नहीं करनी है, यू कैन डू बेटर। ये लो जी, डन। गैस है बंद। एक बार भाप निकालना ज़रूरी है, वरना नीचे का चावल जो है बहुत ज़्यादा गल जाता है, राइट? तो एक बार आपने भाप निकाल दी, थोड़ा बहुत गार्निश कर दिया, घी डाल दिया, उसके बाद फिर गैस बंद करके उसको छोड़ दीजिए। अब जो है चावल अपनी शेप पकड़ेगा। अगर आप गरम गरम में चावल निकाल लेंगे तो चावल टूटना शुरू हो जाएगा, लेकिन अब उसी भाप में चावल अपनी शेप पकड़ेगा, अपनी शेप होल्ड करेगा। प्लस आपने घी डाला है, धनिया डाला है, ब्रिस्ता और डाला है, पुदीना डाला है, वो सारी चीज़ें लेके चावल वो फ्लेवर जो है अपने अंदर अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है जी, अब करते हैं रायते की तैयारी। अब फैलाते हैं रायता, सॉरी अब बनाते हैं रायता। चॉप जिंजर है जी और मटर है अपने पास, ठीक है? आपको दिखाते हैं मटर का रायता या कोफ्ती के साथ। तो कोफ्ती और मटर का रायता, मटर का रायता खाए हैं आप? खाए हैं आज तक? हैं? आज खाएंगे। तेल में गई पहले हींग, जीरा, ठीक है? जैसे जीरा चटका, मटर, नमक, उसके बाद जो अदरक चॉप करी है वो अदरक, उसके बाद चिली फ्लेक्स, कुटी मिर्च। कुटी मिर्च ऑप्शनल है, नहीं है तो ये बहाना नहीं चलेगा कि हम नहीं बनाएंगे। ये जी दही, नमक, शक्कर, ये लीजिए, ये आपके कोफ्ते के टुकड़े। पहले तो ये गए दही में, ये नाइस एंड स्पंजी है कि नहीं? तो इसीलिए कोफ्ते को पहले ही ज़्यादा कुक करना है, ओवर क्रिस्पी करना है, सॉरी ओवर क्रिस्पी करना है, ओवर ब्राउन करना है, और मीठी रखना है उसको, ठीक है? वरना वो कोफ्ती जो है वो घुल जाएगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। हाँ बता दो सब था। तो पहले डालते हैं रायता, मेरा आपका दही, दही के ऊपर भुना जीरा, मिर्च और ये मटर, मटर का रायता भाई साहब। थोड़ी कोफ्ती भी डाल देते हैं क्रम्बल करके। और हाँ, वो सारे नॉन वेजिटेरियंस जो इस खबर का इंतज़ार कर रहे थे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अगर आप मटन का कोफ्ता बनाते हैं तो मटन के कोफ्ते के साथ भाई साहब कमाल जाएगा ये। अगर आप चिकन का कोफ्ता बनाते हैं उसके साथ भी अच्छा जाएगा, लेकिन मटन के कोफ्ते के साथ ये जो हरे मटर का शाही पुलाव है ना, कुछ और ही हो जाएगा भाई साहब। सॉरी, हो गई ख़त्म होगी रेसिपी। इट इज़ डन, इट इज़ ओवर। इससे पहले मटर ख़त्म हो जाए बना लीजिएगा, हैं? क्या है ना, नहीं बनाएंगे तो बहुत पछताएंगे, और अगर पछताएंगे तो हम आपको और चिढ़ाएंगे कि हमने तो बताया था।